मैं हूँ जून और जुलाई तेरे जैसे नीचे और गस मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉड अस प्राउड अप होंगे अभी और भी लिखा पे मारू खाली छक्के ये बेटा पार्ट। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की पहली अपडेट आ रही है एमिवे बंटाई के तरफ से। तो फाइनली एमिवे बंटाई ने साल के एंड में एक ट्रैक ड्रॉप कर ही दिया। एमिवे हर बार 31st of December को ट्रैक लाते हैं। लास्ट टाइम ड्रिल लेकर आए थे, इस बार W ट्रैक लेकर आए हैं। W मीन्स हिप हॉप यूनिवर्स में विन को कहा जाता है। तो चलिए डिकोड करते हैं एमिवे बंटाई के बास को और जानेंगे कि किन किन पर शॉट्स लिए गए हैं। अपने तो एमिवे का हुक पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें वो बताते हैं कि ये रैपर जो है वो सिर्फ अमीर होने के लिए रैप कर रहे हैं और मैं यहाँ कर रहा हूँ लेगेसी के लिए। आपको पता ही होगा कि जो चीज लेगेसी के लिए की जाती है वो सालों साल बाद भी खत्म नहीं होती। और मेरे गानों को जज करने बैठे हैं कुछ यूट्यूबर, वो मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी की तरह है। मतलब अभी एमिवे के गुड बॉय ट्रैक पर काफी लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, सो उन्हीं लोगों को करारा जवाब है ये। दुश्मन की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे ही लोग अब बन गए हैं एनिमी। सो जो पहले साथ हुआ करते थे अब वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं कुक कर रहा हूँ रात दिन स्टूडियो में, मैं यहाँ पका रहा हूँ स्टूडियो में पका रहा हूँ तो म्यूजिक ही तो बनाऊंगा ना। ये लोग मुझे शेफ बावर्ची समझकर मुझसे खाने की रेसिपी मांग रहे हैं। वही एमिवे बता रहे कि अरे मैं स्टूडियो का शेफ हूँ, रसोई घर का नहीं। एक दिन में 4 मिलियन किचन के आग लगी है, बचा करो इन्हें पोकेमॉन। मेरा गुड बॉय ट्रैक एक दिन में 4 मिलियन टच कर गया था, जैसे मैं 4 मिलियन पोकेमॉन का फायर वर्जन है। और ये देखकर इनके पीछे आग लग गई, 4 मिलियन व्यूज और उसमें हनी सिंह भी थे और एश कैचम पोकेमॉन से ही रिलेटेड है। ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं देखा नहीं कभी और मैं इनको पोक कर रहा हूँ और ये हो जाते हैं मॉन। मॉन मीन्स होता है चुप्पी साध लेना और सुनाई दे रहा है पोकेमॉन की तरह। एनिमे वाले हाजरी लगा दो नीचे और मैं इनको पोक क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये चुपके से डिस करते हैं और फिर मुझसे चाहते हैं कि मैं इनको छोड़ दूँ माइक पर। मतलब मैं जब माइक पर गाना रिकॉर्ड करूँ तो इनको छोड़ दूँ, इनके बारे में ना बोलूँ और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह लगे सॉफ्ट। और मैं हूँ कौन इसका रेफरेंस आपको आगे पता चलेगा। जिसे कोई जीत नहीं सकता अंदर तो देखा अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग था मैसेडोनिया का। कॉन्कर कर डाला दिल मैंने सबका, ये आए करे खाली मैनिपुलेट। और उसके जैसे मैंने कर दिया कॉन्कर। कॉन्कर मींस जीतना, युद्ध में देश को जीत लेना। वही एमिवे कह रहे कि जिससे भी हुई दिस बैटल सब में मुझे मिली जीत। और ये AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लोग बस खाली करते हैं मैनिपुलेट। मतलब AI से आजकल देखा होगा क्या क्या हो रहा है, किसी का फेस किसी की वीडियो उठाकर चिपका देना और बदनाम कर देना और हिप हॉप में दूसरे सिंगर की वॉइस उसमें डालकर खुद के लिरिक्स लिखकर डिस कर देना जिससे वो सेम टू सेम ऐसा लगता है कि सामने वाले ने सचमुच का डिस किया है। जो फर्स्ट टाइम सुनता है वो इसको रियल मान लेता है। वही एमिवे बोल रहे कि ये AI से मैनिपुलेट कर रहे हैं। गोट मेरे आगे तो फिर चढ़ता बलि, बकरा ईद लगे जो भी घुसे मेरे गली। अगर मेरे सामने ये बनेंगे गोट, गोट एक होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और इसका शॉर्ट फॉर्म है गोट, तो गोट मीन्स हो जाता है बकरा। तो ये अगर गोट बनेंगे तो चढ़ा दूंगा इनकी बलि। बकरे की बलि दी जाती है ज्यादातर और बकरा ईद में तो बकरे की ही बलि दी जाती है। तो वही एमिवे कह रहे कि अगर मेरी गली आए ये सब गोट गोट बनकर तो एक तरफ से सबकी बलि चढ़ा दूंगा और माहौल बन जाएगा बकरा ईद वाला। कोई भी बनना नहीं मेरे सामने अब गोट। तो कृष्णा ने कहा था कि मैं अपने पंच लाइन जब माइक पर गाता हूँ तो मेरे शब्दों का पंच माइक टायसन के पंच जैसा होता है। तो वही एमिवे बोल रहे कि तुम्हारे पंच माइक टायसन की तरह है तो मेरे पंच मोहम्मद अली की तरह है। ये मुझे बस एक नजर से देखे जा रहे हैं कि मैं कैसे ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूँ और लिखावट मेरी M&M जैसी और बाज मेरे मार्शल मैदर्स जैसे। लिरिकली क्रिमिनल हूँ और अपने पंच लाइन में तुम्हारे ब्लैडर पर मारता हूँ। ब्लैडर मीन्स पिस जहाँ जमा होता है वो बॉडी का पार्ट। और मैं हर महीने गाने डालता हूँ पर मैं मेवेदर नहीं हूँ। फ्लॉयड मेवेदर भी बहुत खतरनाक बॉक्सर है, अनडिफीटेड है 50-0 से। जून और जुलाई तेरे जैसे नीचे और गस मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉड अस। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई गेस कि जून और जुलाई पहले आता है और अगस्त उसके नीचे, तो तुम मेरे से नीचे हो। और रही बात घास की तो शायद वो ब्लैक घास की बात कर रहे कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं नीचे। और मारना यहाँ पर कंटाप जड़ने वाला नहीं, मारना यहाँ दम मारना, दम फूकना। और मैं दम अगर फूकूंगा तो स्मोक नहीं छोड़ूंगा, नहीं ये मेरे स्मोक का फेम लेकर उछल पड़ेंगे। और ब्रॉड स्नूप डॉग का रियल नेम है। और मेरे अपोनेंट भी अब मेरी लिखाई पर प्राउड होंगे। पावर प्ले में बैटिंग करने में मजा आता है। फिर से तुमको अपनी डैश मरवानी है तो बताओ तुम्हारी कब लूं। तुम लोग हेट ले रहे हो लोगों से और मैं लव ले रहा हूं। समझ तो आ गया होगा W विन का साइन होता है। और यहाँ से सेकंड हुक पार्ट स्टार्ट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब उसका मेहर है, मैं बिल्ला तभी तो यह मेरा खैर है। महर इस्लाम रिलीजन में शोहर यानी हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। तो
एमीवे कह रहे कि गॉड से मिला है महेर और मैं बिल्ला हूँ और बिल्ले लोगों का कहर तो होता ही है। खुला कह रहे जान रखते पैर फुट जाते हैं सर्फ करे हम ये लहरे, मतलब मैं जब पैर रखता हूँ तब ये लोग फुट जाते हैं मतलब भाग जाते हैं। और सर्फ मीन्स वो क्रैशिंग वेव्स जिससे बहुत खतरनाक लहरें बनने लगती हैं। वो भी कह रहे कि जब मैं पैर रखता हूँ तो ये सब हो जाता है। देखे चेहरे दर्द सहरे कर्जे ले रहे मसले घेरे मतलब है तू, मतलब मेरा चेहरा जब ये देखते हैं तब ये दर्द सहते हैं और ये लोग कर्ज यानी उधार ले रहे हैं जिससे मसले हो जाते हैं दोनों के बीच में। तो फिर मत लो, इसका मतलब ये कि जब तुम पोक करके मुझसे फेम का उधार मांगते हो तो फिर मैं देने लग जाता हूँ। तो लेने से डरते हो तो क्यों पोक करते हो, क्यों उधार मांगते हो, मतलब ही लगते लोग गफलत लत अभी मत कभी पढ़ना बस मतलब है, मतलब ही हो तुम लोग सिर्फ फेम के लिए आते हो। इस लत को अपनी सुधारो और अब मत पढ़ना इसमें, बस अब निकल लो वट लो। रिसेंट टाइम में एमीवे वर्सेस कृष्णा हुआ था इसलिए इनके फेवरेट मतलब कृष्णा को हराया और पहुंचा दिया हिंदी को इंडिगो फ्लाइट से ग्लोबल। मतलब कृष्णा बाहर के हैं तो वहां के लोग भी सुने होंगे और डैक्स के साथ कोलैब करके हिंदी को रिप्रेजेंट किया। कृष्णा की हाइप जब दिस बैटल खेले थे तब थी और अब चली गई है ऐसा एमीवे का मानना है। और पंजाब से तो प्यार होगा ही, समझ जाओ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मेरे भाई बने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बीफ टाइम मेरे लिए तो लगे जैसे रिसेस, मतलब मेरे भाई हैं चारों तरफ और जब बीफ होती थी तो सब छुट्टी करके मेरे साथ खड़े थे। फेल हुए मेरे आगे दे दो रीटेस्ट मेरे क्लास तक आ रहा तो गाने बनाओ टीपेस्ट, और अगर ये मेरे सामने फेल हो जाते हैं तो मैं इनका फिर से टेस्ट लेता हूँ और मेरे क्लास तक आओ और गाना बनाओ फिर डीपेस्ट। इन्हें दूं मैं इतने बार भी क्यों, रैपर्स रोज कर डाला जैसे बार भी क्यों, इनको मैं इतने बार क्यों दूं, मतलब इनके लिए मैं इतना क्यों लिखूं, मैंने बहुत सारे रैपर्स को रोस्ट किया है अब दिखते हैं वो जैसे बारबेक्यू। मेरे फैंस डेंजर निकल रहे बार भी क्यों, खुद को एक गैंगस्टर पर लगते बार भी क्यों, मेरे फैंस डेंजर हैं ये बाहर निकल भी क्यों रहे हैं, इनको घर में ही होना चाहिए क्योंकि मेरे फैंस डेंजर हैं और खुद को ये कहते हैं गैंगस्टर बट ये लगते हैं बाबी। गैंगस्टर तो कृष्णा ही बोला करते हैं खुद को। हरियाणा वाले लौंडे ना एम करे मैं सिया सारे नीरज चोपड़ा दिस स्टे विद अ स्टिक, खड़ा हूं माइक पे कसम करने बिना वेपन जुबान से कत्ल करने। तो कृष्णा स्टिक लेकर खड़े थे, डंडी मत समझ लेना वेपन है वो, तो एमीवे अपनी जुबान से खत्म करने निकले हैं। बिना उसकी मास्क के मैं आया हूं खत्म करके सीधा दफन करने, और स्की मास्क इसीलिए होता है खत्म करके दफन करने। तो यहां पर एमीवे का ट्रैक खत्म हो जाता है। एमीवे ने न्यू फ्लो ट्राई किया, काफी अच्छा लगा सुनकर, ड्रिल सॉन्ग था, लिरिक्स काफी सटीक दे रहे हैं, सॉन्ग एवरेज था, मजा आया। ओके आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।